नेशनल मेडिकल कमीशन बिल यानी NMC के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल जारी है, जिससे जनता हलकान है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने की वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके न तो सरकार झुकने को तैयार न ही डॉक्टर्स। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। इसी जिद पर अब सरकार सख्ती दिखाती नजर आ रही है, जिससे डॉक्टर्स और सरकार के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। मोदी सरकार सदन में ऐसे बिल लेकर आई है जिसके खिलाफ न सिर्फ विपक्ष का विरोध तेज है, बल्कि अलग अलग क्षेत्र के लोग आवाज भी उठा रहे हैं। जहां श्रमिकों ने न्यूनतम वेतन को लेकर हल्ला बोल रखा है, तो वहीं नेशनल मेडिकल कमीशन बिल से भी हंगामा बरपा है। ये बिल दोनों सदनों से पारित हो चुका है, जिसके खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर 4 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। एम्स सफदरजंग समेत दिल्ली के ज्यादातर अस्पताल डॉक्टर्स की हड़ताल से हलकान है। इमरजेंसी छोड़ कहीं पर भी मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे वो बेहाल हो रहे हैं। बावजूद इसके न तो सरकार पीछे हट रही है और न ही हड़ताली डॉक्टर्स। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टर्स से मुलाकात भी की थी, लेकिन जब इससे कोई बात नहीं बनी तो सरकार ने अब डॉक्टर्स पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अगर डॉक्टर हड़ताल खत्म कर काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश से डॉक्टर्स और सरकार के बीच घमासान तेज होना तय है। डॉक्टर्स के तेवर पहले ही बिल को लेकर तल्ख हैं। उनका कहना है कि इस बिल से न सिर्फ मेडिकल शिक्षा पर असर पड़ेगा बल्कि झूला छाप डॉक्टर्स भी बढ़ेंगे। दरअसल सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने जा रही है, जिसके तहत चिकित्सा आयोग निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के लिए सभी शुल्कों का नियमन करेगा। PMT के बाद डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए एक और टेस्ट देना होगा। इसी बिल को लेकर डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों करीब 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी। वहीं अब दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी हल्ला बोल तेज है, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस तकरार की सजा मरीज क्यों भुगत रहे हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।